चलिए शुरू करते हैं रामकृष्ण परमहंस के माया पर आधारित सतोपदेश। माया का स्वभाव कैसा है? जैसा जल की काई का, हाथ द्वारा जल को हिलाने से काई हट जाती है और जल निर्मल दिखने लगता है, किंतु कुछ समय के बाद ही वह फिर छा जाती है। इसी प्रकार जब तक विचार करो, सत्संग करो, तब तक बुद्धि निर्मल रहती है, किंतु कुछ क्षण के उपरांत विषय वासनाएं आकर फिर उस पर आवरण फैला देती है। सांप के मुंह में विष रहता है, किंतु वह उसे स्वतः नहीं लगता, दूसरों को ही लगता है। उसी प्रकार भगवान की माया स्वतः भगवान को मोहित नहीं करती, दूसरों को मोहित करती है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जब तक वह पर्दा या आवरण नहीं हटता, तब तक दोनों का साक्षात नहीं होता। जैसे आगे राम, पीछे लक्ष्मण और बीच में सीता, या राम परमात्मा और लक्ष्मण जीवात्मा स्वरूप हैं, जानकी बीच में माया के आवरण के समान है। जब तक जानकी बीच में रहती है, तब तक लक्ष्मण राम को नहीं देख सकते, किंतु जो ही जानकी बीच से हट जाती है, त्यों ही लक्ष्मण राम को देखते हैं। माया दो प्रकार की है, विद्या और अविद्या। इनमें से विद्या माया के दो भेद हैं, विवेक और वैराग्य। अविद्या माया 6 प्रकार की है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। अविद्या माया मैं और मेरा आदि ज्ञान से मनुष्य को आबद्ध करती है, किंतु विद्या माया उसे छिन्न भिन्न कर देती है। जब तक जल गदला रहता है, तब तक उसमें सूर्य चंद्र का प्रतिबिंब ठीक ठीक नहीं दिखाई देता। जब तक माया अर्थात मैं और मेरा का ज्ञान बना रहता है, तब तक आत्मदर्शन नहीं होता। सूर्य पृथ्वी को प्रकाशित करता है, किंतु जब एक सामान्य मेघ खंड उसके नीचे आ जाता है, तब हमें उसके दर्शन नहीं होते। इसी प्रकार सर्व साक्षी भूत सच्चिदानंद को हम मायावश नहीं देख पाते। किसी काय वाले सरोवर में जाकर उसकी काय हटा दो, तो कुछ समय के पश्चात वह फिर छा जाती है। माया का स्वभाव भी ऐसा ही है, बारंबार हटा देने पर भी वह फिर आकर हमारी बुद्धि को ढकती है। हाँ, यदि काय को हटाकर लकड़ी, बांस आदि के द्वारा चारों ओर से घेरा डाल दिया जाए, तो फिर उस घेरे के भीतर काय नहीं जाती और वहां केवल निर्मल जल भरा रहता है। इसी प्रकार एक बार माया का आवरण हटाने पर यदि ज्ञान और भक्ति का घेरा डाल दिया जाए, तो फिर माया उस घेरे के भीतर नहीं जा सकती, वहां केवल शुद्ध सच्चिदानंद का प्रकाश रहता है। दक्षिणेश्वर के मंदिर में नौबत खाने पर एक साधु कुछ दिन ठहरा था। वह किसी से अधिक बातचीत नहीं करता था और सर्वदा ध्यान धारण में मग्न रहता था। एक दिन सहसा मेघ उठे और चारों ओर अंधकार छा गया। कुछ समय के पश्चात एक प्रबल आंधी आई और वो मेघों को उड़ा ले गई। यह देख साधु खूब हंसने कूदने लगा। साधु को हंसते कूदते देखकर परमहंस जी ने पूछा, तुम तो नित्य भीतर चुपचाप बैठे रहते हो, किंतु आज इस प्रकार आनंद में मग्न क्यों हो रहे हो? साधु ने उत्तर दिया, संसार की माया ही ऐसी है। पहले आकाश स्वच्छ था, फिर स्वसा मेघों ने आकर अंधकार मचा दिया। प्रबल आंधी चली और मेघों को उड़ा ले गए। आकाश फिर पहले के समान साफ हो गया। तो ये थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के सत उपदेश। जो और मेरे पुराने वीडियो देखने के लिए ऊपर एक कोने में आई बटन जो दिख रहा है ना, वहाँ जरूर क्लिक करिए। आई बटन पर क्लिक करके पुराने वीडियो को जरूर देखिए। ये यहाँ पे दिखाई दे रहे ना, यहाँ पे क्लिक करना है।